हफ्ते 6 महीने बचे, ये पिछले 10 साल में क्यों नहीं, इसको लागू क्यों नहीं किया? आज ये कहने जा रहे हैं फिर से कलाकारी की राजनीति, गुमराह की राजनीति। इन्होंने तो कहा था हम किसानों का 50,000 रुपये कर्जा माफ करेंगे, ये कर्जा माफ भावंत की योजना के बारे में सोचे कितना बड़ा ये नाटक है, व्यापारियों को लाभ है, भावंतर लेके सब लोग हो गए। आप उज्जैन की बात करिए, आज लहसुन का क्या भाव है, चने की का क्या भाव है, बाकी जगह तो छोड़िए, हर जगह हर जिले में कोई ना कोई समस्या किसानों को। पेट्रोल डीजल पर्सन कर्जा है मध्य प्रदेश को, हर व्यक्ति का कर्जा इन्होंने लिया हुआ, पर आज कोई पिछले 10 साल 15 साल का हिसाब किताब नहीं कि मध्य प्रदेश के विकास के आज किसानों के हित में क्या हुआ। आज नौजवानों के बड़ी बड़ी यहाँ इंदौर में करी इन्वेस्टमेंट समिट के बाद इतनी घोषणाएं हुई, आज वित्तीय उद्योग मध्य प्रदेश में लगते नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते हैं। आज जो रिटायर कर रहे हैं उनकी जगह भी भर्ती नहीं होती, उनका स्थान भी नहीं भरा जाता, और ये बड़ी बड़ी घोषणा है। मैं तो कहता हूँ ये घोषणाएं बंद करें, अब तो जनता को हिसाब करें, घोषणा का समय खत्म हो गया। शांत रहे तो ज्यादा बेटर होगा। कोई भी राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान, किसान परेशान है, नौजवान परेशान, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं असुरक्षित है, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जहाँ मध्य प्रदेश में। ये आज सबसे मैं सोचता हूँ ताज्जुब की बात है कि इतने सालों के बाद, इतनी घोषणाओं के बाद, इतनी कलाकारी के बाद, इतना सबको गुमराह करने के बाद आज ये बात सब सामने उभर के आ गई। कहना चाहता हूँ सेंस के लिए कहा था कि 1,000 करोड़ रुपए खर्च करे, आज 1,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब, सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का है, चुने हुए घोटालों में से ये उनमें से है जो सबसे बड़ा घोटाला है। कोई तरह तरह की जांच हुई पर कोई नतीजा नहीं, कोई निचोड़ नहीं। आज यहाँ के किसानों की हालत देखिए, लहसुन 500-600 रुपये में बिक रहे हैं, किसान पिट रहे हैं, चना की खरीदी नहीं हो रही, और जो योजनाएं हमारी यूपीए सरकार ने बनाई थी उज्जैन के लिए आज इनका कोई किया नहीं। कमलनाथ जी ये बताएं कि भगवान महाकाल से आज आपने क्या मांगा, और ये चुनावी साल में आज से चुनाव का संक्रांत हो गया राजाधिराज महाकाल के दरबार से? कोई देखिए इसमें कोई अर्थ नहीं बताना चाहिए, मैंने जरूर आशीर्वाद दिया, मैं तो हमेशा ही जाता रहता हूँ, मैं तो पहले भी महाकाल आया, मैं तो सियांस में जा रहा हूँ, मैंने देखिए मैं सब मंदिरों में जाता हूँ, मैंने तो छिंदवाड़ा में 101 फुट का हनुमान मंदिर बनाया कई साल पहले। हम इससे राजनीति नहीं करते, पर जरूर मैंने आप आशीर्वाद मांगा है, मध्य प्रदेश की भविष्य, मध्य प्रदेश सुरक्षित है, मध्य प्रदेश के चेहरे के किसानों के चेहरों में फिर से मुस्कराहट, मध्य प्रदेश के युवा को टकराना पड़े, महिलाओं की सुरक्षा हो, व्यापारियों का व्यापार हो, ये आज मध्य प्रदेश का भविष्य है। और